से। तो आज के बच्चे हमारे पास डिस्कशन पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर सर्किट के एप्लीकेशन पे। पोटेंशियोमीटर मेरे पास एक बहुत वर्सेटाइल, एक बहुत ज्यादा एप्लीकेशन वाला एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है बेटा, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बोले कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, और इसकी एप्लीकेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या बाकी की सारी चीजें बच्चा हमारे पास जो भी रहती हैं बेटा, के दो सेल्स के ईएमएफ को रेशो को कैलकुलेट करना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये रहता है बच्चे। पोटेंशियोमीटर बच्चा हमारे पास यहाँ पर डिवाइस किया गया था टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस या टू फाइंड द वोल्टेज, टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स, टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स, टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स इन द सेकेंडरी। हाँ बोल 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 सर, आपने अभी शुरू किया सर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बच्चे सेकेंडरी सर्किट के अंदर एक वोल्टेज निकालनी है बच्चा हमारे पास बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि बच्चे या तो बच्चे मुझे पहले से पोटेंशियल ग्रेडियंट पता हो बच्चे, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट से मैं सेकेंडरी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना चाहता हूं बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज निकालना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चे पोटेंशियोमीटर के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट रहता है। अब ध्यान से समझ, ये बच्चे हमारे पास एक प्राइमरी सर्किट है। इस प्राइमरी सर्किट के अंदर एक सेल रहता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी गिवन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस बैटरी को बच्चे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी, इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी बैटरी या ऑक्सिलरी सेल बच्चे हम बोल देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके साथ बच्चे का रियोस्टैट लगाया जाता है, ये रियोस्टैट भी ऑप्शनल है बच्चे। यानी कि प्राइमरी सर्किट के अंदर ये रियोस्टेट आएगा या नहीं आएगा जरूरी नहीं, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता। और इसके दो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस यहां पर हम एक स्विच लगा देते हैं बच्चे S1, और ये स्विच को बच्चे हम फर्दर जोड़ देते हैं बच्चे एक बहुत लंबी वायर के साथ। ये वायर बच्चे जितनी ज्यादा लंबी हो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो पिछली बारी हम कर चुके थे वो उतना छोटा होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज्यादा छोटा होगा हमारी रीडिंग उतनी प्रिसाइज होगी। प्रिसाइज यानी कि बच्चे आप छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये ए है और ये बच्चा हमारे पास बी है। ये हमारे पास है प्राइमरी सर्किट, ये बच्चा हमारे पास है प्राइमरी सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हमारे पास आर वायर है, इस वायर की लेंथ बच्चा हमारे पास एल सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास कौन सा सर्किट है बच्चा आपके पास, बोलो, प्राइमरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट से हमें क्या पता लगेगा, जैसे आप स्विच S1 को ऑन करोगे तो इसमें करंट चलेगा। आपके पास करंट इन दी प्राइमरी सर्किट कितना चलेगा बच्चे, बोलो शाबाश। आपका करंट इन दी प्राइमरी सर्किट बच्चा हमारे पास, आप IP लिख सकते हो नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं। आपके पास इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितना चलेगा, आपके पास EMF ऑफ सेल, रियोस्टेट ये बच्चा RH आ जाएगा, और रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस। इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आनी या नहीं आनी ऑप्शनल है, ये रियोस्टेट आएगा या नहीं आएगा बच्चे ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये भी हमारे पास ऑप्शनल है। नेक्स्ट वन, वोल्टेज अक्रॉस द वायर। अब वोल्टेज अक्रॉस वायर किसके बराबर है बेटा, नीट का पैटर्न चेंज हो गया है, नीट का पैटर्न चेंज हो गया बेटा, और नीट की पूरी OMR शीट चेंज हो चुकी है, याद रखना बेटा। यह आपके लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है, यह आपके लिए भी एप्लीकेबल हो चुका है। KVPY परमानेंट है,
हाँ बेटा, हाँ अभी तक परमानेंट है। और बच्चे एक और चीज बताता हूँ बेटा मैं आपको, केवीपीवाई भी निकल चुका है, जिस बच्चे ने भरना है वो भर दे, जिसको नहीं भरना आता है वो मुझे बता दे। और केवीपीवाई के लिए मेरे पास एक बुक है बेटा, वो बुक बच्चे अगर आप चाहते हो तो मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, ठीक ठीक है। तो वो बुक के अंदर बच्चे सभी सब्जेक्ट्स के क्या है बच्चे आपके पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है, उसी के अंदर आज वोल्टेज ऑफ दी वायर, करंट आई जो सर्किट में चला, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर डब्ल्यू, और तीसरा बच्चे आप मेरे पास आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि होगा वोल्टेज ऑफ दी वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दी वायर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और पिछली बारी मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलवाना भी बता दिया था कि आपको यहां पर इस वायर के अक्रॉस बच्चे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। चाहे तो आप करंट निकाले बगैर भी कर सकते हो, आपको पता है सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर बच्चे हमारे पास किस तरीके से आपकी वोल्टेज डिवाइड होती है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास सबसे पहला काम है, ये काम जो बच्चा नहीं करेगा वो बुरी तरीके से फंसेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर बच्चे ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करेगा, इसका मतलब जितनी बड़ी लेंथ उतना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर। अब बच्चा हमारे पास ध्यान से देखना इसको अप्लाई कैसे करते, ये बच्चे अब आपकी कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन बच्चे, आपकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए बच्चे कि आप समझ जाओ पहली बार लिखने के अंदर कि ये हम कर कैसे सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है बच्चे, ये लेंथ ऑफ दी वायर, ये प्राइमरी सर्किट है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये बच्चे प्राइमरी वोल्टेज है। यहां पर बच्चे अब सेकेंडरी सर्किट लगाया जाता है, ये सेकेंडरी सर्किट के अंदर कोई एक्स पॉइंट है, याद रखना उसका पॉजिटिव ए के साथ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉइंट है एक्स और यहां पर पॉइंट है नेगेटिव, ये वाई है, और इसके साथ बच्चे हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के आगे बच्चे हमने क्या जोड़ दी बच्चे, जॉकी जोड़ दी। ये जॉकी बच्चे इस वायर के ऊपर बच्चे ट्रेवल करती है, और एल एक बैलेंसिंग लेंथ आती है बच्चे, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है जो बाद में लगाया, पहले प्राइमरी सर्किट ऑन करते हो, ये भी ध्यान रखना, टीचर को, टीचर आपसे पूछ सकता है, पहले आप स्विच S1 ऑन करोगे और फिर आप स्विच कौन सा ऑन करोगे बच्चे, S2, प्राइमरी सर्किट, और फिर जॉकी को बच्चे आप A से आगे की तरफ को लेके जाओगे। सपोज L डिस्टेंस पे आके गैल्वेनोमीटर क्या देता है आपको बच्चे, बोलो शाबाश, क्या देता है आपको बच्चे, जीरो बैलेंस पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे, अब ध्यान से समझना, अब फोकस करना बच्चे, अब फोकस करना, ध्यान से समझना, कायदे से ये एंड भी पॉजिटिव है, करंट आपके पास यहां से यहां पर चल रहा है बच्चे, आपके पास चल रहा है ना बच्चे, इसमें कोई ना कोई वोल्टेज होगी और नीचे भी कोई वोल्टेज है। अगर आप एक क्लोज लूप ले लेते हो, सपोज ए जे और यहां पर बच्चे मैं एम और एन ले लेता हूं, नहीं तो एक्स वाई ले लेते हो, एक्स वाई बच्चे हमारे पास यहाँ पे ले लेते, मैं यहां पर एक लूप लेता हूं बच्चे, लूप मेरे पास है ए और एक्स और वाई, जे और ए। अगर मैं ए से एक्स आता हूं कुछ नहीं होता, एक्स से वाई जा रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, मैं ऊपर चला, इसमें कोई करंट नहीं चल रहा, अगर इसकी कोई रेजिस्टेंस भी होगी तो बच्चे करंट नहीं चल रहा है तो आई जी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ पा रहे होंगे आप, जब करंट ही नहीं चल रहा तो आई आर नॉन जीरो कैसे हो जाएगा। जब आप जे से बच्चे ए की तरफ को जा रहे हो तो कोई ना कोई वोल्टेज जे से ए की तरफ को भी होगी, बिल्कुल होगी बच्चे, और यहां पर बच्चे क्योंकि आप करंट से उल्टा चल रहे हो तो या करंट से उल्टा चल रहे हैं के प्लस वोल्टेज आई एल एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी सर्किट किसके बराबर है, वोल्टेज ऑफ ए जी। अब एजे पोर्शन जिसमें एल बैलेंसिंग लेंथ है, आप कैसे वोल्टेज निकालोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बैलेंसिंग, यही तो पिछली बार बच्चे हमने सीखा था, यही तो पिछली बार बच्चे हमने सीखा था। आप किसी भी वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट को वायर के छोटे से छोटे पोर्शन से मल्टीप्लाई करोगे, उस पोर्शन की क्या आ जाएगी, वोल्टेज।
और क्या पता लग रहा है, जो एजे की वोल्टेज है वही सेकेंडरी एक्स वाई की वोल्टेज है। और क्यों? क्योंकि बच्चे करंट नहीं चल रहा। अगर करंट चलता रहेगा तो या तो ऊपर वोल्टेज ज्यादा होगी या नीचे, और करंट इन दोनों के बीच में चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, होप सो बच्चे आप मेरा एग्जांपल जल्दी फॉलो करिए। लास्ट लाइन रिपीट करना जो आपने बोली है, अभी अभी तेरे को सारी क्लियर हो जाएगी। ये बच्चे हमारे पास 2 ओम के रेजिस्टेंस है और नीचे बच्चे हमारे पास एक वायर है। ये वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की लेंथ है। और ये बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर बच्चे आपके पास है 8 ओम, और यहां पर बच्चे हमारे पास क्या है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और ये बच्चा हमारे पास आ गया ए और बी, ये बच्चा हमारे पास एक वायर है, ये बच्चा हमारे पास यहां पर वायर है, ये वायर है। जिस बच्चे को पोटेंशियोमीटर पहली बार के अंदर बच्चे समझ में आ जाता है, उस बच्चे के पास रॉ इंटेलिजेंस है। रॉ इंटेलिजेंस का मतलब होता है बच्चे, उस बच्चे के दिमाग के अंदर जो ग्रेस्पिंग पावर है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वो बड़ी जल्दी हो जाती है। और जिस बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, इसका मतलब बच्चे उसे हार्ड वर्क करने की बहुत जरूरत होती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाएगा। तो वो क्योंकि ये एक रॉ नॉलेज है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ समझ है बेटा। ये वायर सबसे पहले, और नीचे बच्चा हमारे पास एक सेकेंडरी सर्किट है जिसका ये पॉजिटिव है और इसका बच्चे नेगेटिव है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, और ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई बच्चा आपके पास 15 सेंटीमीटर पे। 15 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर ने आपको क्या दे दी बच्चे, 0 डिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर वन, आप इस क्वेश्चन को करते कैसे हो? स्टेप नंबर वन, आपकी वोल्टेज अक्रॉस वायर कैसे आ जाएगी? अब मुझे तो शॉर्टकट पता है विदाउट करंट। ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 8 ओम की रेजिस्टेंस है। 100 वोल्ट 8 और 2 के बीच में क्या हो रहा है बच्चे, तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सीरीज के अंदर आपकी रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज आएगी वो किस बात पे डिपेंड करती है, आपकी खुद की रेजिस्टेंस पे। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस ऑफ 2, जल्दी बोलो बच्चे कितने के बराबर आ जाएगी आपके पास, 80 वोल्ट। यानी इस वायर के ऊपर 80 वोल्ट है। जिसको नहीं समझ में आया वो साथ साथ बोलते रहना, साथ साथ बोलते रहना, साथ साथ बोलते रहना, लास्ट में जाके बोलोगे सब गुड़गुड़ हो जाएगा। हाँ जी बोलो सर। नहीं आया समझ में, नहीं समझ में। आपके पास बच्चे अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होती, ये बच्चा आपके पास V वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये वोल्टेज V1, ये V2। ऐसे बच्चे ये एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक रेजिस्टेंस पूरी वायर की है 8 ओम। सर वोल्टेज डिवाइड होती है ना सीरीज में? अब बच्चा इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है ना? निकालना है मुझे V1 निकालना है, तो मेरे पास क्या तरीका हो जाएगा, I into R1। और बच्चे करंट कितना आ जाएगा इसमें बताओ बच्चे, V upon R1 plus R2। बच्चे R1। अब बताओ बच्चे क्या दिक्कत है इसके अंदर से, बोलो बोलो बच्चे, लग गया पता? कि अगर मुझे R1 की वोल्टेज निकालनी है तो V R1 upon R1 plus R2। ये 2 है, ये 8 है, मुझे वायर की बच्चे आपको वोल्टेज चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चे, 100 into 8 divided by 8 plus 2। बोलो अभिषेक, लग गया पता बच्चे, लग गया ये वो वोल्टेज लो है ना? हाँ बेटा, वोल्टेज निकालने के लिए जो हमने सीखा था मेथड। हाँ बोलो आगे। ये नहीं, ये वोल्टेज डिवीजन लो। हाँ वोल्टेज डिवीजन मेथड। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चे के किसके बराबर आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द वायर। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, कि ये आ जाएगा 8/5 volt/1 point। हो गया काम खत्म काम। अब बच्चे हमारे पास लास्ट बारी आती है बच्चे, ये बच्चे बैलेंसिंग लेंथ, ये जो एक्स वाई है बच्चे, ये एक्स वाई का नीचे सेकेंडरी सर्किट की जो वोल्टेज है ये 15 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग देती है। तो बताओ बच्चे आपके पास वोल्टेज ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, 24। एजे, वोल्टेज ऑफ एजे कैसे आएगा, अरे दिमाग लगाओ ना यार, यहाँ पर इसके एक सेंटीमीटर एजे का आएगा 15 into 8/5।
8 by 5 into 15, तो बताओ कितना 24 वोल्ट। इसका मतलब बच्चे नीचे जो सेकेंडरी सर्किट के अननोन वोल्टेज है वो 24 वोल्ट के आसपास है। जी आप बताओ, क्लियर है वाली बात? क्लियर है वाली बात बच्चे? यहाँ बेटा बोलो बच्चे, हाँ बोलो, क्या समझना उसमें से सर? वो समझाना कैसे निकाल दिया आपने? नहीं, यहाँ पर देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ बच्चे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप समझना स्टार्ट करिए। यहाँ पर अगर आपको प्रज्वल दिक्कत है फिर यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। पहले यहाँ पर देख के बताए, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई आप वहां पर मत जम करिए, पहले यहाँ पर देखिए कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये देखो ये इक्वेशन तुम्हें क्लियर है? ठीक है सर, समझ गया हूँ सर। ये इक्वेशन क्लियर है बच्चे? यहाँ पर ये नहीं, इसको छोड़, ये बच्चे ये बात की बात है, ये प्रॉब्लम है। मतलब कि जो ये तू देख रहा है, समझना ये है, देखना इस पर, समझना इस पर। और बच्चे किसी भी अगर तेरे वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि 1 सेंटीमीटर पे 8/5 की वोल्टेज है, तो बच्चे 15 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज होगी? ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर में तुम्हारे पास 8/5 वोल्ट है, तो बेटा 15 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज हो जाएगी? 8/5 ये आ जाएगी बच्चे 24। और मुझे बच्चे यही क्यों चाहिए, मुझे 15 सेंटीमीटर ही क्यों चाहिए? क्योंकि नीचे वाली वोल्टेज ऊपर वाली 15 सेंटीमीटर के ऊपर क्या दे रही है, बैलेंसिंग लेंथ दे रही है। इस वजह से बच्चे मुझे 15 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। ठीक, हाँ बोलो। ठीक है सर, ठीक है प्रज्वल, बच्चे देख ले बेटा प्रज्वल। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, हाँ हाँ बोलो बच्चे। सर आपने इस पेज के पहले कुछ कराया कि मैं 10 मिनट्स लेट ज्वाइन हुआ था? कोई बात नहीं, इसका वीडियो देख लेना बच्चे, अगर कोई दिक्कत है मुझे बता देना बेटा। मतलब कुछ कराया था क्या आपने इस पेज के पहले? अभी याद नहीं, अभी मैं इसमें इन्वॉल्वड हूं, मैं पीछे डेफिनेशन लिखवाई थी शायद। तो कोई बात नहीं, तू पहले देख इसको, पहले प्राइमरी सर्किट का इसको पहले देख। यस सर, ये तो सर इसमें ये बता दो लूप AXYJ वाला। हाँ बोलो क्या बच्चे, क्या सर? यहाँ से बस ये इक्वेशन वाला बता दो जो आपने बनाई है VXY, बस ये बता दो बाकी सारा। A से X गया ना बैटरी मिली ना रेजिस्टेंस मिली। यस सर। X से Y गया नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस VXY। जब तो गैल्वेनोमीटर से पास हुआ तो जीरो डिफ्लेक्शन थी, यानी कि यहाँ पर करंट क्या था बच्चे, इसलिए IG into G, ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस तो है गैल्वेनोमीटर के पास, लेकिन जब करंट ही नहीं पास हो रहा है तो IG into G क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। फिर तो J पे पहुंच गया, J से A की तरफ। ओके सर, ओके सर। तो फिर यहाँ की वोल्टेज नीचे वाली वोल्टेज को कैंसिल करेगी, तभी तो बच्चे जीरो डिफ्लेक्शन देगा ना बेटा। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन क्यों देता है, क्यों देता है बच्चे? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, क्योंकि बच्चे जितनी ऊपर पोटेंशियल है उतनी नीचे। फिर अब प्रॉब्लम रह गई है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, अब हमारे पास प्रॉब्लम रह गई है इस एल लेंथ की वोल्टेज कैसे निकाली जाए। तो हम पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं और उससे बैलेंसिंग लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी जो नीचे के बराबर है, तभी तो बच्चे पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो, तभी तो आपका डिफ्लेक्शन करंट जीरो। हाँ आप पूछ सकते हो बच्चे। सर आपने कहा गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है, मैं मतलब जिस करंट मतलब जो डिफ्लेक्शन शो करता है वो अपनी रीडिंग शो करता है, वो उसकी रेजिस्टेंस होती है उस पॉइंट। बेसिकली बच्चे आपके पास उसमें से करंट पास होगा तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी ना बच्चे, वो भी तो वायर से मिलके बना हुआ है बच्चे, कोई भी वायर से मिलके बना हुआ है ना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर नहीं, नहीं सर, मैं वो पूछ रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर पे जैसे पोटेंशियल मीटर या होता है उसकी कोई रीडिंग होती है, जैसे कोई वैल्यूज होती है उसकी स्केल पे? हाँ बिल्कुल वैल्यूज होती हैं बच्चे, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं होती? वो वैल्यूज किसको डिनोट करती हैं? करंट की वैल्यू को डिनोट करेंगे, कितना करंट जा रहा है इसमें से। ओके सर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब वायर की यूज होती है जिससे बना हो, इस वायर अंदर लूप होते हैं बच्चे, अंदर बहुत सारी वायर्स होती है, कॉपर वायर्स होती है, करंट पास होता है बच्चे, बिल्कुल वो उसके बगैर काम ही नहीं कर पाएगा बच्चे हमारे पास, है ना। अच्छा हमारे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है बच्चे,
ये पोटेंशियोमीटर के हमारे पास आ जाती है सबसे पहली चीज। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड बच्चा अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बच्चे क्या निकल कर आता बच्चे, अगर हम फोकस करें तो पोटेंशियोमीटर बच्चा हमारे पास यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हेल्प करता है बच्चा हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए। देखना ये बच्चा हमारे पास प्राइमरी सर्किट है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा बच्चे, बहुत मजा आएगा। और मैं बताता हूँ आज से 6 या 7 साल पहले बच्चे मैं एक जगह पे क्रैश कोर्स ले रहा था बेटा, और मैंने जो क्वेश्चन वहां पर बच्चों को पूछा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मतलब डाटा तो वही नहीं होता लेकिन उस जैसा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास उस साल AIPMT के अंदर आ गया था। ये EMF है, ये बच्चे रेजिस्टेंस रियोस्टेट है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, ये ए और बी। ये पहली एप्लीकेशन है बच्चे, कंपेयर दी EMF ऑफ दी टू सेल्स, EMF ऑफ दी टू सेल्स। बेटा आपके किरचॉफ रूल की असाइनमेंट किसी बच्चे ने नहीं बोला कि सर हमने कर लिया, आप डिस्कस कब करोगे। चलो क्या वो आपकी भी तो बच्चे कई मर्जियां होंगी बेटा, ठीक है वो देख लेना। हमारे पास यहाँ पर बच्चे एक सेल आ गया ऐसे, ये देखना बच्चे, और ये सेल बच्चा हमारे पास एक स्विच लग गया, ये EMF है E1। ये बच्चा हमारे पास ये दूसरा सेल आ गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर EMF आपके पास है E2। मुझे नहीं पता इसकी EMF क्या है क्या नहीं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास टू वे स्विच है, टू वे स्विच का मतलब है बच्चे हमारे पास कि आपका गैल्वेनोमीटर के साथ एक टाइम पर एक ही कनेक्शन होगा, चाहे 1 और 3 का होगा चाहे 3 और 2 का होगा। अगर 1 और 3 का कनेक्शन होगा तो 2 और 3 का नहीं होगा, और अगर 3 और 2 का कनेक्शन होगा तो 1 का नहीं होगा। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जॉकी है जो यहाँ पर जुड़ जाती है। सपोज फॉर E1, अगर E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ, अगर E1 के लिए बच्चे बैलेंसिंग लेंथ L1 है, अगर E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर है बच्चा हमारे पास L1 है। सपोज ये बच्चा हमारे पास AG1 है, और बच्चे E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर है, बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर है L2। बैलेंसिंग लेंथ बच्चे आपके पास किसके बराबर है L2। जब बच्चे आप इसका कनेक्शन बनाते हो तो ये चीज हो जाती है, और दूसरी बात बच्चे 3 और 2 का अगर आप कनेक्शन बनाते हो तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर आ जाती है बच्चे, शाबाश बोलो, G2 के बराबर। और ये लेंथ बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाती है बच्चे, शाबाश बोलो, L2 के बराबर। आगे एक बच्चे हमारे पास L1 है और दूसरे बच्चे हमारे पास आगे गिवन है कि L1 ग्रेटर देन L2। क्या बेटा, नहीं ये जरूरी नहीं होता, अजम्पशन होती है, हो सकता है बच्चे E1 बड़ी हो सकता है E2 छोटी हो बच्चे, ठीक है। हाँ एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि E जो है बच्चे इट शुड बी ग्रेटर देन E1 एंड E2, ये बड़ी होनी चाहिए, बाकी बच्चे दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा। अब डेरिवेशन के लिए किसी ना किसी को तो आगे या पीछे लेके चलना पड़ेगा ना। सर लेंथ कह रहा हूँ। हाँ कुछ भी हो सकता है बच्चे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है। अब किसी ना, अब अगर आप बोलो कि सर E1 बड़ा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, E2 छोटा तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। ओके सर, ना वो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ कैपिटल E होना चाहिए। अच्छा अब देख बच्चे आपके पास, मैं E1 को किसके बराबर लिख सकता हूँ बताओ जरा, KL1 लिख सकता हूँ बच्चे, KL1। और E2 को क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ बच्चे, KL2। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया सर। आप बताओ क्या मुश्किल है, मेरे को एक बात बताओ बच्चे क्या मुश्किल है पोटेंशियल में, है कोई मुश्किल? अभी तो मेरी बात का इम्पोर्टेंस समझ पा रहा होगा, मैंने क्या बोला, जिस मर्जी को बड़ा कर ले जिस मर्जी को छोटा कर ले क्या फर्क पड़ता है, हाँ है ना, वो तो किसी ना किसी को तो बड़ा लेना था किसी ना किसी को तो छोटा लेना ही था बच्चे, हाँ है ना। अब बताओ कुछ मुश्किल है, जितनी छोटी सेल की EMF होगी जो अटैच्ड है साथ में, हाँ उतनी छोटी बैलेंसिंग लेंथ होगी, हाँ और उसके लिए उतना ही छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट, देख पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होने का फायदा क्या, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा है तो रीडिंग ऐसे आएगी 1.91, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.92, 1.93 ऐसे, और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा है तो रीडिंग ऐसे आएगी 1.9 और फिर 2.0, यानी कि रीडिंग्स क्लोज कैसे आती है, छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस,
वो आता है बच्चा हमारे पास, क्योंकि बच्चे देखना किरचॉफ रूल है ना मेरे बच्चे, किरचॉफ रूल है, अगर यहां पर मैं बोलता हूं ये बैलेंसिंग ये इवन, आपके पास लेस देन ए टू है, तो इसको बैलेंसिंग लेंथ भी तो कम चाहिए होगी ना बच्चे, जीरो करंट करने के लिए चाहिए। अगर नीचे ईएमएफ कम है तो ऊपर भी वोल्टेज कम चाहिए, और ऊपर वोल्टेज कम चाहिए तो लेंथ भी कम चाहिए, क्योंकि ऊपर जो भी वोल्टेज आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ है। आगे बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में बच्चे? यस सर, पक्का श्योर मेरे बेटा। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर करवाता हूँ तो भी शर्म आती है मुझे, मैं क्या न्यूमेरिकल कराऊं बेटा आपको इसमें, क्योंकि आपको पता है द लेंथ गिवन होगी, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। जी अभिषेक सर, यहाँ पे जो इवन इक्वल टू के एल, मतलब जो लेंथ की जो वोल्ट, मतलब जो उस वायर की जो लेंथ है एल वन, उसकी जो वोल्टेज आ रही है वो, मतलब जो ऊपर इवन या ई टू ई एम एफ लगा उसके इक्वल होगी, तभी तो बच्चे आपको ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन देगा, ये गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। तभी बच्चे जो पहला बच्चे इसका बेसिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर मैंने ये बात आपको सिखाई थी सर, मतलब यहाँ पे जो L1 पे जो वोल्टेज आ रही है वो कैपिटल जो बड़े वाला EMF है उससे आ रही है ना? हाँ आगे बोलो, हाँ आगे बोलो, यही पूछना है, मतलब उसी से आ रही है ना ये? यहाँ देखो आप फिर समझो, पहले बच्चा आप स्विच S1 ऑन करते, आप पहले प्राइमरी सर्किट के अंदर का करंट चलाते पूरे में, इसकी वजह से इस वायर के अंदर क्या डेवलप हो जाती है वोल्टेज, और इसकी वजह से बच्चे यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है, वोल्टेज ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर कंप्लीट। इसके बाद बच्चे यहाँ पर स्विच होता है बच्चे आपके पास, स्विच बच्चे एस टू, इसको ऑन करते फिर जॉकी को बच्चे आप ए से बी लेके जाते और बच्चे चेक करते हो कहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ रही है। तो पहले S1 ऑन होगा, ए बी में टोटल बच्चे EMF E अपनी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, हर यूनिट लेंथ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, उसके बाद तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है बच्चे, ठीक है? यस सर, यस, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ आयुष बोल बेटा। सर इतना पूछना था, प्राइमरी सर्किट में हम दो सेल लगा सकते? हाँ लगा लो बच्चे, दो सेल लगा लो बच्चे, आप दो सेल लगा लो, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लो, कोई मना ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई मना ही नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कि आप इसमें जो मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, यहाँ पर दो सेल लगा लो, तीन लगा लो, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लेके आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दो, बाकी जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन कॉन्सेप्ट किरचॉफ रूल पे बेस्ड है कि नीचे जो सेकेंडरी की वोल्टेज है वो बैलेंसिंग लेंथ की वोल्टेज के बराबर होगी। आपको पहले पूरी वायर का पोटेंशियल और पूरी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, बस इतनी सी बात करनी है बच्चे। आगे बच्चे मेरी बात समझ, ठीक है बेटा जी? चलो मैं आगे। यस सर। अब मैं, अब बताओ न्यूमेरिकल करवाओ, मुझे तो शर्म आ रही है, तुमको करवा दो कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, बताओ रेशो क्या है तो वो कुछ बनेगी नहीं बात, मैं नहीं कर, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। प्रज्वल करवा दो क्वेश्चन, आपकी मर्जी है, जब तेरे को लगता है मैं दो लेंथ दूंगा और आपको डिवाइड करके ईएमएफ की रेशियो बतानी है, हाँ है ना? यस सर। तो शर्म भी आती है, मैं बोला यार बच्चों ने सोचना है, स्टाइल मार रहा है, आसान क्वेश्चन देके थोड़ा सा मुश्किल तो दे, हम भी तो अपना दिमाग हिला ले। चलो अब बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, फोकस करते हैं, देखना बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक जैसे सेल और इनको दो बार बच्चे ऐसे रखा गया, एक बार ऐसे रखा गया E1 और E2, और गैल्वेनोमीटर बच्चा हमारे पास है जी, और बच्चे ये बैलेंसिंग लेंथ है। अब देख तेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे, और ये बच्चे आपके पास है E1, और यहाँ पर गिवन भी है बच्चे कि E1 ग्रेटर देन E2, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया, और बच्चे हमारे पास फिर गैल्वेनोमीटर इसके साथ जोड़ा गया, मतलब कि ये थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, एक मुझे टू वे स्विच बनाना चाहिए था ना, यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये टू वे स्विच है, और बच्चा हमारे पास यहाँ नीचे पोलैरिटी चेंज है सेल। हाँ देख तू देखना, ये तो मजा है, यहाँ पर 1 आ गया 3 आ गया, सोच के देख, अब तू देख, अब तुम्हारे सोचने की बारी है कि हमने क्या सीखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अब तक
और ये गलवेनोमीटर आ गया जी। जब वन और थ्री को कनेक्ट किया गया तो बच्चे ये चीज आ गई, ये वन और थ्री के लिए बच्चे बैलेंसिंग लेंथ आ गई, जे वन और बच्चे थ्री को। और जब बच्चे थ्री और टू को जोड़ा गया, जब बच्चे थ्री और टू को जोड़ा गया तो बच्चे हमारे पास ये आ गया जी, और ये बच्चे बैलेंसिंग लेंथ आ गई जे जब टू और थ्री को जोड़ा गया। जब आपने वन और थ्री का कनेक्शन जोड़ा तो बैलेंसिंग लेंथ बच्चे तेरे पास आ रही है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। कितने बच्चे? 60 सेंटीमीटर जब बच्चे वन और थ्री को जोड़ा गया ऊपर वाले को, और जब बच्चे नीचे वाले दोनों को जोड़ा गया इस वाले को और इवन ग्रेटर देन इक्वल, तो बैलेंसिंग लेंथ बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ रही है बच्चे 40 सेंटीमीटर। क्या आ रही है बच्चे? 40 सेंटीमीटर। अब आपने बताना बच्चा, और ये लॉजिकल है भाई, नीचे ईएमएफ ऐड हो रही है तो बैलेंसिंग लेंथ बड़ी चाहिए, और नीचे बच्चे ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो बैलेंसिंग, लॉजिक है ना बेटा। और बच्चे इसी में उलझ के रह जाते हैं, वैसे भी नीचे कम हो जाएगी ना ईएमएफ पोलैरिटी चेंज। ये क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स के अंदर करवाया था बेटा, और ये क्रैश कोर्स के अंदर करवाया था, और थोड़े दिनों के बाद ये एआईपीएमटी में आ गए, तब एआईपीएमटी होता था। और E1 plus E2 is equal to K into बच्चे 60 सेंटीमीटर, और E1 minus E2 is equal to K into 40 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चे, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो E1 और प्लस ऑफ E2 is divided by E1 minus E2, कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? ये बच्चे 3/2, और बच्चे हमारे पास 2E1 plus 2E2 is equal to 3E1 minus 3E2। जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5E2 is equal to बच्चे हमारे पास E1। तो बताओ रेशियो कितने के बराबर है? E1 by E2। शाबाश, बोलो बच्चे कितने के बराबर है? आई बात समझ में कुछ? ऐसा क्वेश्चन। अब बताओ बच्चे, पोटेंशियोमीटर को बच्चे बदनाम कर देते, पता नहीं क्यों बच्चे, क्यों पता क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट है बच्चे, वो कंटेंट नहीं पढ़ पाते, वो समझ नहीं पाते कि कंटेंट क्या है। कंटेंट बड़ा सिंपल सा है, उन बच्चों को किरचॉफ वोल्टेज रूल नहीं आता है, सेकंड रूल नहीं आता उन बच्चों को, क्योंकि सेकंड रूल बोलता है कि अगर आप एक क्लोज लूप में चले तो बच्चे नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अब बच्चे गलवेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा तो IR जीरो है, तो बच्चे अब जो ऊपर बैलेंसिंग लेंथ की वोल्टेज है और नीचे जो ईएमएफ की वोल्टेज है, ये आपस में सेम होनी चाहिए। और अब प्रॉब्लम बच्चों को पता है क्या आती है? जो बैलेंसिंग लेंथ में वोल्टेज है वो कैसे निकालोगे? सिंपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। अब फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए वोल्टेज ऑफ वायर बच्चे पता नहीं होती है, फिर वहां पर पोटेंशियल डिविजन मेथड होता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, और इसको वही बच्चा कर पाता है जिसके पास कंप्लीट पैकेज है। जी आयुष, बोलो बेटा, बोलो बच्चे आयुष। सर पहले का रह गया रेज। सर बोलो। सर अगर यहाँ पे मतलब एक ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर E1 इक्वल टू E2 होता तो नीचे वाला जीरो हो जाता और प्लस इसमें से बेटा फिर कैसे करते हैं बच्चे? मतलब कि आप मजाक थोड़ी ना कर रहे हो, जीरो का मतलब बच्चे वो ए से आपके पास आगे बढ़ ही नहीं पाता, आपको नल पॉइंट कहीं मिल ही नहीं पाता बच्चे, ए के अलावा कहीं हो आया ना। यस सर। तो फिर बोलते गड़बड़ हो जाती का, फिर बोलते अरे किसी ने मजाक किया, प्रैंक किया हमारे साथ, नॉट इक्वल टू जीरो जाता ना। हाँ बिल्कुल, फिर प्रैंक बच्चे, फिर तो प्रैंक वाली बात आ जाएगी ना बच्चे की किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया हुआ, हाँ या ना। यस सर। आगे। यस सर। अच्छा क्या पूछा इसने? हाँ हाँ बोल। नहीं इसने क्या पूछा था? इसमें ईएमएफ की रेशियोस पूछी हुई थी E1 by E2 से बच्चे। नहीं नहीं क्वेश्चन क्या पूछा था अभी जो कुछ बता रहे थे आप प्रैंक किया? वो बोल रहा था कि अगर E1 और E2 बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो मैं बोला फिर तो आपकी रीडिंग नहीं आएगी ऊपर, आप आगे जाओगे तो कैसे? ओके ओके हां सर, मेरे भी दिमाग में ये कुछ। सर कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखो इसको कैसे करना है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या होता है, तीन स्विच आ जाते हैं बच्चे, तीन स्विच। ये बच्चे हमारे पास एक ऑक्सिलरी सर्किट आ गया, ये बच्चे अब आपके पास रियोस्टेट ऑप्शनल, ये स्विच है बच्चे मेरे पास S1, ये स्विच आ गया S1, और नीचे की तरफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, वायर आ गया। नीचे की तरफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर वायर आ गई, और ये बच्चे EMF आ गई,
यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक, आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये भी एक स्विच है, यहाँ पर स्विच है बच्चे एस टू, इसको दूसरी बारी ऑन करेंगे और फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक सेल है और इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मेजर कर, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गई, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आगे आ रहा है और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, एक स्विच आ गया, ये स्विच आ गया बच्चे हमारे पास और ये आपके पास आगे चला गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ आगे क्या लगा दी जॉक, ये बच्चा हमारे पास है ईएमएफ है। बड़े ध्यान से अब ये क्वेश्चन करना, ये बच्चा हमारे पास जॉकी जी, ये मेरे पास स्विच है एस नो, सब कुछ निकल चुका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट सब कुछ। अब बच्चा हमारे पास स्विच स्विच ऑफ है, स्विच एस नॉट बच्चे अगर ऑफ है बच्चा हमारे जॉकी कहाँ पे है बेटा, मैं लिखने वाला हूँ ना बच्चे, लिख रहा हूँ बेटा लिख रहा हूँ है ना बच्चे, लिखूंगा तभी आपको पता लग पाएगा, आया ना मैं नहीं लिखूंगा तो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास जैसे स्विच एस नॉट ऑफ है और आप जॉकी को बच्चे ए से बी की तरफ लेके चले जाते हो, मान लो कि आपको यहाँ पर कहीं पर नल पॉइंट मिल गया और ये लेंथ है बच्चा हमारे पास एल वन, ये बच्चा हमारे पास एल वन, क्योंकि बच्चे स्विच एस नॉट आपके पास ऑफ है तो जो ई सेल है बच्चे जिसकी ई एम एफ ई है, जो ई सेल है बच्चे इज नॉट डिस्चार्ज, इसकी डिस्चार्जिंग नहीं हो रही, ये सिर्फ वोल्टेज दे रहा है, इसमें से कोई करंट नहीं निकल रहा, इसमें से बच्चा हमारे पास कोई करंट नहीं निकल रहा, समझ लो, जब करंट नहीं निकल रहा बच्चे तो नीचे वाले सर्किट में कुछ नहीं जाएगा, ना आर में कुछ आएगा, तो सिंपल सिंपल सिर्फ ये, अगर आप किरचॉफ रूल भी बनाते हो तो ई किसके बराबर आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जी पर, और जैसे ही बच्चे आप स्विच एस नॉट को ऑन करते हो तो क्या हो जाएगा, एस नॉट को बच्चे आप ऑन करते हो तो बच्चे अब यहाँ पर एक करंट चलना शुरू हो जाएगा, ये करंट बच्चे आपके पास एक और है, ऊपर जो करंट चल रहा है अलग है, ये एक और करंट चलने लग जाएगा आई नॉट जो डिस्चार्जिंग करंट, ये बच्चे जैसे आपने स्विच ऑन किया एक डिस्चार्जिंग करंट चलना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट बच्चे I नॉट किसके बराबर आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ R, और आपको भी पता बच्चे ऐसा करने से वोल्टेज अक्रॉस सेल अब बताओ कितने के बराबर आ जाएगी, E माइनस ऑफ I इंटू R, ये आपको पता है सेल डिस्चार्ज हो रहा, अब बताओ बच्चे E माइनस आई आर, अब बताओ कि गैल्वेनोमीटर अब जॉकी से अगर मूव करेगा तो बड़ी बैलेंसिंग लेंथ देगा कि छोटी बैलेंसिंग लेंथ, कम हो रही है एग्जैक्टली बच्चे, क्योंकि अब वोल्टेज कम हो चुकी है क्योंकि ये सेल नीचे से डिस्चार्ज हो रहा है और ये एल टू आ जाएगा, और अब देखो बच्चे मेरे पास दो बैलेंसिंग लेंथ है, एक जब सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा था स्विच नीचे वाला टीचर बोलेगा स्विच एस नॉट है और यह आर ओम की रेजिस्टेंस भी टीचर आपको दे के रखेगा, अब मुझे क्या निकालनी है यहाँ पर, सिंपल सी बात, नंबर वन जब सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा था तो E किसके बराबर था बच्चे बताओ जरा, A L1, और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था तो V किसके बराबर था जरा बताओ बच्चे, K L2 के बराबर था, बैलेंसिंग लेंथ के बराबर हो जाएगी ना वोल्टेज जो भी आपके पास, उसको तो बाद में उसके बराबर कर देंगे बच्चे, अब देखो बच्चे क्योंकि जो भी वोल्टेज है अब वो KL2 के बराबर है, तो इसका मतलब E बाई V किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, L1 by L2, और हमारे पास यहाँ पर और L1 बड़ा, एक फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, E by V माइनस ऑफ 1 into कैपिटल R1, ये बच्चे हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी, ये बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं, ये ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में देखे हम डेवलप कर चुके हैं, तो बताओ बच्चे अब R किसके बराबर आएगा, E by V माइनस 1 यानी कि L1 अपॉन एल टू माइनस वन, और ये वाली रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास आ रही है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, एक बार में सेल यूज नहीं हो रहा है और बच्चे ईएमएफ ई ही कैलकुलेट होगी, और जैसे आप स्विच ऑन करोगे नीचे वाली कैपिटल आर रेजिस्टेंस
इस सेल को डिस्चार्ज करने लगेगी। अब जो वोल्टेज मेजर होगी वो ईएमएफ होगी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो ईएमएफ से छोटा होगा। बोलो सर, आप यहाँ से फिर से समझा दोगे, मेरा कनेक्शन नहीं सुनाई दे रहा था मुझे। हाँ बोल। ये जब डिस्चार्जिंग वाला था ना, उसके बाद से समझा दो प्लीज। हाँ बोलो, क्या समझना बच्चे उसमें से? सर उसके बाद सुनाई नहीं दिया था मुझे, डिस्चार्जिंग वाले तक ही सुनाई दिया था जब आपने आई नॉट की वैल्यू निकलाई ना। हाँ तो डिस्चार्जिंग का तू मुझे बता ना, तू मुझे बता बच्चे, जब आपने सेल की डिस्चार्जिंग की थी तो बताओ बच्चे कि आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाता था कि छोटा हो जाता था? बोल जरा। ये जो आपके पास नीचे सारी इक्वेशंस लिखी हुई सिवाय एक या दो इक्वेशंस के, बाकी सारी इक्वेशंस हम पहले कर चुके बेटा, सारी इक्वेशंस हम पहले कर चुके सारी के सारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आपके पास ईएमएफ ई के बराबर है करंट डिस्चार्ज होता है, तो ये बच्चे अब डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। ये बच्चे मैं आपको करवा चुका हूँ, इसमें एफिशिएंसी ऑफ सेल भी करवा चुका हूँ, और इसके अंदर बच्चे आई इंटू आर ये भी बता चुका हूँ। ये क्या कौन सी चीज होती है बच्चे आपके पास, ये कौन सी चीज होती है? लॉस्ट वोल्टेज। अब अगर आप चाहते हो कि इक्वेशन में दोबारा से डिराइव कराओ, मुझे कोई इश्यू वाली बात नहीं बच्चे, टाइम लगेगा बेटा उसके लिए। क्लियर है सर? नहीं, मैं प्रज्वल की बात बेटा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। नहीं सर पता है सर, वो बस आवाज चलेगी थी इसलिए बोल रहा था। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन वो टाइम लगेगा बच्चे, तो मैं तो कभी मना किया ही नहीं बच्चे। तो वी सेल, क्योंकि मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कुछ भी नहीं है, जब स्विच ऑन होगी तो इसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है बच्चे वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वजह से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जब नीचे से करंट चलेगा, है ना। जब यहाँ से करंट चलेगा तो अब ईएमएफ ई थोड़ी ना रहेगी, जरा निकाल कर देखो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितनी रहेगी बच्चे आपके पास, एक्स और वाई के अक्रॉस निकाल कर देख लो ना बच्चे, यही तो सिखाया गया अभी आपको कि अगर आप वी और एक्स का निकालना चाहते हैं तो बच्चे वी एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ ई आ जाएगा, प्लस ऑफ आई आर इज इक्वल टू बच्चे वी वाई आ जाएगा, तो वी एक्स माइनस वी वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ आई आर। अब जब नीचे करंट चलेगा तो, और इसकी वजह से एक्स वाई का पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर है, कम वोल्टेज आ रही है, अगर ई के मुकाबले माइनस आई आर आ रहा है, बैलेंसिंग लेंथ भी तो छोटी हो जाएगी ना बच्चे, 0.2 हो जाएगी। यस। और बच्चे हमारे पास पहले में बैलेंसिंग लेंथ बड़ी क्यों आई, क्योंकि ये करंट ही नहीं छोड़ रहा था, नीचे स्विच ऑफ था, यहाँ पे करंट जीरो था, जब आप एक्स से वाई जाओगे तो क्या आएगा बताओ बच्चे, जब करंट नहीं जा रहा था तो वी एक्स माइनस ई इज इक्वल टू वी वाई, अब बताओ बच्चे वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू ई, यहाँ पे सिंपल ई था क्योंकि करंट नहीं जा रहा था, सेल्फ डिस्चार्ज नहीं हो रहा था बच्चे, तो पहले में ई इज इक्वल टू के एल वन, दूसरे में वी इज इक्वल टू के एल टू, डिवाइड कर दिया एल वन बाई एल टू, और ये फॉर्मूला भी बच्चे आपको याद होना चाहिए, डिस्चार्जिंग के वक्त आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्चार्जिंग के वक्त बच्चे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जी लग गया पता बच्चे आपको? यस सर। अच्छा, मैंने आपको बोला ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे, घबराना मत इसमें से, आपको मैंने पहले ही बोल दिया ये घबराना मत, इसके अंदर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कैसे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये बच्चे मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ये ऑक्सिलरी बैटरी है बच्चे, ये आपके पास रियोस्टेट आ गया, और ये बच्चा हमारे पास नीचे आ गया बच्चे, और यहाँ से यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, एक सेल आ गया, ये सॉरी वायर आ गया, नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर सेल आ गया बच्चे, और यहाँ पर आपके पास नीचे क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस बच्चे आ गई 5 ओम की, और ये बच्चा आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ये ऐसे आ गया, यहाँ पर बच्चे गैल्वेनोमीटर है, स्विच लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर स्विच लगाना भूल गया बच्चे मैं, चलो मैं स्विच लगा देता हूँ, यहाँ पर बच्चा आपके पास स्विच लगा हुआ है ये वाला ऐसे, ये ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जब बच्चा आपका स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है बच्चे तो बैलेंसिंग लेंथ बच्चा आपके पास है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, और जब स्विच ऑन है, जब बच्चे स्विच ऑन है ये वाला एस, तो बच्चे बैलेंसिंग लेंथ आ रही है बच्चे आपके पास यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये ईएमएफ ई है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है,
ये बच्चे एक में 40 आ रही है और एक में बच्चे 25। मुझे बताना है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। आप समझने वाले तो दो मिनट के अंदर निकाल देंगे कि आर इज इक्वल टू 40/25-1, ये रेजिस्टेंस कितने की है, 5 की है। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 15/25 इंटू बच्चा हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, 3 ओम। ये बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, 3 ओम जी। लग गया पता बच्चे? यस सर। आसान था, लेकिन बच्चे सारे कॉन्सेप्ट अब इकट्ठे होने लग जाएंगे। अब ये एंड पॉइंट है ना बच्चे, इसमें अब सब कॉन्सेप्ट इकट्ठे होने लग जाएंगे। अब टीचर चाहे पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन ऐसा डाल सकते हैं ना बच्चे, हिले ना क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं हिलेगा, एनसीईआरटी नहीं हिलते यार, परेशान मतलब कि प्राण पी लेते हैं बच्चे, इतने गंदे क्वेश्चन है बच्चे, प्राण पी लेते हैं, सही बोल रहा हूँ बेटा। और ये बच्चा जो है ना, और प्रॉब्लम क्या है, किरचॉफ रूल नहीं यूज करता बच्चा, किरचॉफ रूल यूज करे ले अभी 2 मिनट का काम, अभी तक का डाउट कंप्लीट करो ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। शाबाश, क्लियर है सर? क्लियर है सर। पक्का देख ले बच्चे, देख लो सर, देख लिया सर। देखो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है, क्या आप जो है बच्चे ना समझ सको, पहले तो इस बात को समझो। और बेटा इसको करके आपको ध्यान से एक एक करके बच्चे इसको देखना पड़ेगा, एक एक बार करके, ठीक। चले आगे बच्चे, चले आगे। अच्छा यस सर, अब देखते हैं बच्चे हम नेक्स्ट वन। बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, मान लिया जाए बच्चे हमारे पास यहाँ पर मतलब कि कोई आपके पास क्या कर दिया बच्चे, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस बच्चे आपके पास लगा दी जाती है, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस बच्चे, ये भी हो सकता है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ, ये ऑक्सिलरी सर्किट है। अब ये ऑक्सिलरी सर्किट बना बना कर ना बच्चे हाथों में छाले और कानों के अंदर भी बच्चे वो एक वो होने लग जाता है, अरे यार फिर वही ऑक्सिलरी सर्किट, काम इसका ढीले भर का नहीं है बच्चे ऑक्सिलरी सर्किट का, जब तक हमने खुद पोटेंशियल ग्रेडियंट ना निकालना। बताओ अभी तक बच्चे ऑक्सिलरी सर्किट का कोई काम हुआ बच्चे, बताओ मुझे कोई काम हुआ, कोई नहीं था, डिवाइड कर दिया, बैलेंसिंग लेंथ का काम था। हाँ प्रॉब्लम तब आएगी बच्चे जब बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, जब हम यहाँ पर इसके अंदर से क्या निकालने की कोशिश करेंगे बच्चे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात। इस जगह पे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अब मेरे पास यहाँ पर ये एक सर्किट बच्चा आपके पास ऐसे करके बना दिया, मेरे पास 2 रेजिस्टेंसेस है, एक रेजिस्टेंस है R1 और ये बच्चा R, ये बच्चा हमारे पास R1 और R2, और यहाँ पर बच्चे मैंने एक स्विच लगा दिया स्विच, फिर बच्चा हमारे पास नीचे एक बैटरी लगा दी बच्चे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहां पर भी बच्चे हमारे पास क्या लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी और ये स्विच के साथ जोड़, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है बच्चे हमारे पास R2। अब फोकस करने, ये कनेक्शन है बच्चे, ये कनेक्शन है बच्चे हमारे पास X और ये कनेक्शन है बच्चे Y, और जो गैल्वेनोमीटर है बच्चे उसका कनेक्शन Z के साथ, और ये गैल्वेनोमीटर बच्चे हमारे पास जी यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ यार, तुमको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो जाए। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 कनेक्शन दे दिए गए और वायर मैं यहाँ बना लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये बच्चे हमारे पास वायर बन गई और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये वाली चीज आ गई। बड़े लोचे हैं भाई पोटेंशियोमीटर के, आसान नहीं है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बच्चा हमारे पास प्रीवियस ईयर के हैं बच्चे, याद रखना। नीचे बच्चा हमारे पास एक और आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बच्चा आपके पास करंट चल रहा है, मान लो कि ये रेजिस्टेंस आपके पास है RH और ये बच्चा हमारे पास R0 है, ये स्विच है बच्चा हमारे पास K2 और ये K2। अब ये गैल्वेनोमीटर बच्चा हमारे पास Z पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ, ये Z कनेक्शन एक टाइम पर एक ही के साथ बन पाएगा, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। यहाँ पर बच्चे या तो कनेक्शन X और Z का बनेगा या फिर बच्चे X और Y का बनेगा। अब फोकस करें, नीचे बच्चे हमारे पास अगर ये मेरे पास E0 है तो ये बच्चे हमारे पास है E,
ठीक है। अगर बच्चे मैं x और z का कनेक्शन बना देता हूँ, ये बच्चा हमारे पास x और z का कनेक्शन बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर है जी, और बैलेंसिंग लेंथ आएगी बच्चे। अब फोकस करना बच्चे, बैलेंसिंग लेंथ मान लिया जाए मेरे पास यहाँ पर आ गई, ये बैलेंसिंग लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ बच्चे मेरे पास आ गई L1, और होगा भी बच्चे। अब देखो ये बैलेंसिंग लेंथ कैसे आ गई, यहां से कोई ना कोई करंट चला होगा बच्चे हमारे पास, मान लो I, ये करंट जब यहां पर जाएगा तो बताओ कितनी वोल्टेज डेवलप करेगा इसके अंदर से, बोलो बच्चे शाबाश। तो A से लेके बच्चे J1, अब बताओ बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आई आर वन इज इक्वल टू, बोलो बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, ये L1। क्लियर है ये वाली बात बच्चे, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. दूसरा बच्चे कनेक्शन है Z एंड Y, या Y एंड Z, अगर Y एंड Z का कनेक्शन बनता है बच्चे तो बताओ क्या हो जाएगा, जब Y और Z का कनेक्शन बनेगा तो बच्चे अब बच्चे हमारे पास ये यहाँ पर जाकर बैलेंसिंग लग देगा। अब सोच के देखो बच्चे, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ बच्चे, IR1 plus IR2। Exactly बच्चे, अब मेरे पास I into R1 plus of R2 is equal to किसके बराबर है, KL2, और ये आगे सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दोगे, और मुझे रेजिस्टेंस की रेशियो बतानी है R1 plus of R2। ये क्वेश्चन आ रखे हैं बच्चे कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन, और बच्चा क्या करता है इनको बहुत बहुत खतरनाक, क्या मुश्किल बताओ मुझे यार, आपको क्लोज लूप नजर आ रहा है ना, ये बैलेंसिंग लेंथ और नीचे वाली जो वोल्टेज है ये क्लोज लूप बना रही है, ये देखो बच्चा आपके पास क्लोज लूप बना रही है, ये देखो ये बच्चा आपके पास ये वाला एक क्लोज लूप बना रही है, और बच्चे दूसरी बारी कौन क्लोज लूप बना रहा है बच्चे हमारे पास बताओ, दूसरी बारी बच्चे ये वाला आपके पास क्लोज लूप बन रहा है, इन क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अब बताओ मेरे पास क्या आएगा, आर वन एल टू is equal to R1 L2। R1 by R2 निकालना है? हाँ, R1 by R2। या R2 L2 by R2। divided by L2 minus L1। ये देखो क्वेश्चन आया था। ये बच्चे हमारे पास R1 L1 plus of R2 into L1। अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? आपके पास R1। R1 common। तो depend करता है बच्चे L2 minus L1 is equal to R2 into L1। R1 by R2 is equal to R1 by R2 L1 upon बच्चे L2 minus L1। Minus L1। L1 divided by L2 minus L1। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया रिजल्ट, ये उल्टा आ जाए, ये क्वेश्चन बच्चे एक बार कंपटीशन में आ चुका, और कुछ नहीं सॉल्व करना था काका जी, कुछ नहीं सॉल्व करना था आपको, ये एक्सप्रेशन डेवलप करना था। अगर इसमें R नॉट निकालना हो, नहीं R नॉट बच्चे फिर पंगे वाली बात है, क्योंकि बच्चे R नॉट तो वेरिएबल, R नॉट नहीं निकालेंगे हम, सिर्फ निकालेंगे ठीक है बेटा, हम इसको। अब ये क्वेश्चन जब किसी ने पहली बार कंपटीशन में देखा तो देखते ही छोड़ दिया, और आपको भी पता है बच्चे कि क्यों देख के लग रहा, पता क्यों छोड़ा होगा बच्चे, क्या क्या बेटा हाँ, तो बेटा देखो मैंने आपको क्या बोला, पोटेंशियोमीटर है नहीं है मुश्किल, ये कल्ट, कल्ट का मतलब समझते हो कि एक ऐसी चीज है बच्चे जो परेशान कर देती है बच्चों को ना, तो ये वो चीज है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, मतलब पोटेंशियल मीटर में अभी तक का जो किया है उसके सारे बेसिक्स वगैरह सब कुछ लग जाता है। हाँ मतलब कि भाई आप सेल किया, अब सेल किया आप इसके नीचे बच्चे, मैं तो सोच रहा था यार अगर हम बीच फ्रॉम ब्रिज का कोई कंडीशन लगाए तो वो भी हो सकती है, पर वो फिर बच्चे पता क्या होता है कि वो होता है ना कि कई बार होता है कि दिमाग काम करता है, कई बार नहीं, कई बार आप एक क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो फिर धीरे धीरे आपको लगता है छठ पर यार कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छे बन सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के बच्चे हमारे पास बन सकते हैं जी। अब अगर बच्चे आपने कुछ पूछना है मोस्ट वेलकम, नहीं तो बच्चे फिर हम आगे की तरफ को चलते हैं। शाबाश, डायग्राम भी आदमी क्वेश्चन छोड़ देगा, आपने पूरा कॉम्प्लेक्स कर दिया डायग्राम। अच्छा डायग्राम बेटा मैं बच्चे मैं क्या करूं बता मेरे बेटा, मैं बच्चे देख मेरे पास एक्चुअल में जो है ना ये देख, अगर तुझे ऐसा लग रहा ये ठीक है सर, ठीक है
ठीक है कोई बात नहीं यार, इसके नीचे हम वैसे लगा सकते हैं जैसे एन, जैसे एन रोज लगा दी, हाँ वो लग सकते पैरेलल में, बिल्कुल लग सकते हैं भाई, लग सकते हैं पैरेलल में लगा दी, सीरीज में लगा दी। ये तो मैंने आपको अब आइडिया दे दिया कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे तैयार रहना, इसी के बेसिस पे बच्चे क्वेश्चन मिल जुल के आएंगे। इसके अलावा बच्चे कोई और दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बेटा? यस। अब बच्चे आपने इसके पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन एच सी वर्मा के कर लेंगे, ठीक है? अब एच सी वर्मा करंट इलेक्ट्रिसिटी लगानी शुरू कर दो, यानी कि अब आप बड़े कंफर्टेबली लगानी शुरू कर दो, कुछ एक पोर्शन रह जाएंगे वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होते रहेंगे, अब आप लगानी शुरू कर सकते हो। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे पोटेंशियोमीटर खत्म होते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो। हाँ जी सर, इस चैप्टर में अभी कितना और रहता है? सिर्फ बच्चे एक पॉइंट रह गया और वो है बच्चा आपके पास द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि छोटा सा पोर्शन रह गया हाफ एन आवर का, जो कि बच्चे इलेक्ट्रिक, मतलब संडे तक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा? कल बच्चे, कल हो जाएगा, कल मैग्नेटिज्म संडे तक, तो क्या बच्चे कल तक हो जाएगा बच्चे हमारे पास। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म करेंगे। मैग्नेटिज्म बच्चे ज्यादा दिन नहीं है, 15 डेज के अंदर बच्चे मैग्नेट, वो फिर आपका चैप्टर, फिर आप देखेंगे आपका उड़ता जाएगा सिलेबस, मतलब ये ऑप्टिक्स बढ़ा है अब ऑप्टिक्स पड़ेगा, अब जो ब्रेक लगेगी वो ऑप्टिक्स में लगेगी अब जो ब्रेक लगेगी, हाँ क्या क्या, बहुत बड़ी ब्रेक लगेगी नहीं नहीं इतनी लगेगी जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि उसको मैं वेक्टर फॉर्म में करवा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छोटी थी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी तक होती है, 65% ऑफ पेपर आता है बच्चे, 65% पेपर। वैसे ही करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने 22 मार्च को शुरू किया था और 13 जून को खत्म हुआ था, देख ले, ठीक है? तो उसके अंदर से बच्चे वो भी 1 आवर और वो भी सारे टॉपिक्स ए टू जेड, मतलब कि उसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक, और उसी की कैपेसिटेंस वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना। हाँ, हमने बहुत हमने हमने बच्चे मतलब कि हमने तो वो निचोड़ दिया ना, कि आप अगर कोई एक्चुअल में पता है क्या एक्चुअल के अंदर क्या, आयुष जो बच्चा है वो क्या सोचता है, वो 10th क्लास की जो ट्यूशन लेता है उसमें ट्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, आपको कोर्स करवा के रटवाया जाता है, कि आपका कोर्स एक बार खत्म करके बार बार उसके रटवाया जाता है। यहाँ पर रटवा नहीं सकते, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, पहली बार बन गई तो बन गई, सेकेंड टाइम नहीं बन सकती रटने से, मेरी बात समझ गया? ये फर्क है, बच्चे को लगता है 10th क्लास में तो हमने 2 महीने में कर लिया था, बाकी 3 महीने हम रिवीजन करते रहे। अरे भैया वहां पर तो आपको याद करने थे फैक्ट्स, यहाँ पर अंडरस्टैंड, अगर मैं तेरे को पहली बार में कैपेसिटर नहीं समझ में आया, बीटरूट नहीं समझ में आया, पोटेंशियोमीटर नहीं, तो रिवीजन में क्या कर लेगा बच्चे बता, कुछ नहीं, सिर्फ तू याद ही कर पाएगा इस वजह से, और यही सक्सेस रेट को कम करते। खैर चलो बच्चे इसको छोड़ते, सो ये बच्चा हमारे पास पोटेंशियोमीटर बच्चा हमारे पास होता है खत्म। अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट और इसका बच्चे लास्ट पोर्शन बच्चे शुरू होता है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। बेटा मेरे पास फोन नहीं होता है इस वक्त, तो मुझे टाइम का बता देना बच्चे, इलेक्ट्रिक पावर एंड द एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड द एनर्जी। 10:30 हो गए। हाँ बेटा मुझे बता देना बच्चे, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि सर्टेन चीजें बच्चे जिसकी वजह से मेरे पास अभी फोन नहीं है, लेकिन आप बच्चे मुझे बता देना। ओके सो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट और सबसे लास्ट पोर्शन है बच्चे इसका, विच इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर बच्चे हमारे पास क्या चीज होती है, जब भी हमारे पास किसी भी बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस के थ्रू बच्चा आपके पास कोई करंट फ्लो करता है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है आप, और ये बच्चा हमारे पास पोर्शन आ गया ए और बी, ये बच्चा हमारे पास ए और बी पोर्शन आ गया, और ये बच्चा हमारे पास आ गया आर ओ, और ये करंट है बच्चा हमारे पास आई, और ये बच्चा हमारे पास आर ओ। अब नेचुरल सी बात है करंट यहां से यहां पर चल रहा है, तो वी ए इज ग्रेटर देन क्या बच्चे, वी बी, आपके पास वी ए इज ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास वी बी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पास कितना हुआ होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पास बोलो बच्चे, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास बोलो बच्चे हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इनटू बच्चे हमारे पास डेल्टा, ये बच्चे हमारे पास अमाउंट ऑफ द चार्ज पास। ओके अब बच्चे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट द पॉइंट ए, बताओ ये कितने के बराबर आ जाएगी, ये बच्चे डेल्टा क्यू
इनटू बच्चे पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, और बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, ये हम कहां से कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, डेल्टा क्यू इनटू वीबी, और बच्चे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, VA इज ग्रेटर देन VB, तो बच्चे बताओ देयरफॉर, अब बताओ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट, क्या बच्चे आपके पास भी है, हाय ना बेटा, क्लियर है वाली बात बच्चे, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है, और जितना बच्चे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है वो जाकर बच्चे किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी में, देयरफॉर बच्चा हमारे पास जो लॉस हुआ बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का, वो जाकर बच्चे हमारे पास किसके अंदर चला गया बच्चे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ होगा, सो वी कैन राइट डाउन द वर्क डन, अब बच्चा हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है ये भी पता है बच्चे हमें, वर्क डन बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्यू इनटू बच्चा हमारे पास वी ए माइनस और वी बी, ये वर्क डन हुआ, और बच्चा अगर मान लिया जाए मैं दोनों साइड को डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दू और डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दू तो बताओ क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चे, शाबाश बोलो बच्चे, पावर, करंट इनटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहला काम बच्चा हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पावर, आपकी इलेक्ट्रिक पावर बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाती है बच्चे, विच इज आई इंटू डेल्टा वी, आई इंटू डेल्टा वी, आई इंटू डेल्टा वी, ये बच्चे हमारे पास एनर्जी डिसिपेटेड, नाउ दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, तो एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, उसका फॉर्मूला पर सेकेंड, तो वो पावर बन जाएगा, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड पावर बन जाएगी, एंड दिस पावर इज गिवन बाय V इनटू I, इसकी यूनिट बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, शाबाश बोलो, वाट के बराबर, इसकी यूनिट बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चा, आपके पास ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बराबर है बच्चे वाट, सो पावर इज इक्वल टू V इनटू I, पावर इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, V इनटू I, जी लगी बात पता बच्चे, ये तो एक सिंपल सी बात, मेरा बी और आई को खोल मतलब V इक्वल टू आई आर से अलग अलग फॉर्मूले बना लेंगे, हाँ बस अभी हम यही काम करेंगे, अगर बच्चे हम इस आर को इसमें यूज करें तो बच्चे हमारे पास आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी हो सकते हैं, अब देखते हैं बच्चे हमारे पास फोकस करते हैं, तो बच्चे हाँ बोलो 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 बच्चे, टाइम हो गया, हाँ दो मिनट रुक जा बच्चे, दो मिनट रुक जा, पावर इज इक्वल टू वी आई, और बच्चे अगर मैं वी इज इक्वल टू आई आर कर दू तो आई स्क्वेयर आर आ जाएगा, या फिर बच्चे हमारे पास वी स्क्वेयर अपॉन आर आ जाएगा, ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, पावर, नाउ दिस बिकम्स द पावर जो कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है बच्चे, जो कि आपको हीट और लाइट के फॉर्म में लिखती है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास पावर लॉस, नाउ दिस इज द पावर लॉस, देखो दोनों में फर्क है, ये पावर लॉस है और वी आई पावर लॉस नहीं है बच्चे, याद रखना ये पावर लॉस है, ठीक है थोड़ा सा फोकस कर लेना, ये फोकस कर लेना, ये पावर लॉस है और ये बच्चे आपके पास क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड बाई द सोर्स, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड बाई दी सोर्स, क्योंकि जो सोर्स है बच्चे वो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है और ये बच्चे उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, पर वीआई एनर्जी कैसे हो सकता है, हाँ बेटा हाँ बोलो, वी इनटू आई एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता, आगे पढ़ो ना पूरा का पूरा, क्या लिखा हुआ बच्चे, क्या लिखा हुआ बच्चे, पूरा पढ़ना, और ये बच्चे उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है जिसमें से बच्चे वो पावर है, मतलब ये सप्लाई हो रही है और ये बच्चे लॉस हो रहे हैं, और यही लॉस, ये जो लॉस है बच्चे ये हमें हीट की तरह नजर आता है, पंखे की हवा की तरह नजर आता है, या फिर बच्चे हमें लाइट की तरह नजर आता है, तो इस बात में लेके बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है,
कि VI क्या है और I2R। बच्चे को लगता है ये तीनों फॉर्मूले सेम है, बिल्कुल गलत बात। ये तीनों फॉर्मूले सेम नहीं, फॉर्मूले एक दूसरे से डिराइव हो रहे हैं। ये सोर्स की प्रॉपर्टी है और ये बच्चे उस डेस्टिनेशन की प्रॉपर्टी है जहां पर ये वोल्टेज पहुंच। तो ये पावर लॉस है और ये एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड बाय दिस सोर्स है। बच्चे सर, अगर ये सभी के साथ हम टाइम का फैक्टर ले लें तो ये सारे एनर्जी बन जाएंगे। हाँ बेटा, वो एनर्जी बन जाएगी, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी फिलहाल हम पावर पे ध्यान देते हैं। एनर्जी आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगी, पावर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। याद रखना बच्चे, अब हम किसी भी चीज की एक रेटिंग देंगे बच्चे, रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, हम रेटिंग ऑफ अप्लायंस देंगे। रेटिंग ऑफ अप्लायंस, जैसे टीचर बोलेगा 100 वॉट और बच्चे टीचर बोल देगा 50 वोल्ट, इसका मतलब है, इसका मतलब बच्चे अगर आप इसको 50 वोल्ट की एनर्जी दोगे, ये रेटिंग होगी बच्चे, आप ध्यान रखना। और जो ये 100 वॉट की आपके इसमें लॉस होगा और ये बच्चे आपको 100 वॉट का एनर्जी देगी या बच्चे 100 वॉट की पावर देगी, ये जो इसके पास आ जाएगा 50 वोल्ट, ये सप्लाई होगी और ये बच्चा हमारे पास इसके ऊपर से आउटपुट आ जाएगा। तो ये रेटिंग ऑफ अप्लायंस है। और रेटिंग ऑफ अप्लायंस से सबसे पहले रेजिस्टेंस निकलेगी बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। और फिर क्या बताया आपने 100 वॉट और 50 वॉल्ट के बारे में? अगर आप बच्चे आज जाकर एक बल्ब देखो बच्चे, या आपने घर की मिक्सी देखो, तो उस पे लिखा हुआ होगा, उस पे लिखा हुआ होगा बच्चे हमारे पास 220 वोल्ट और बच्चे 1500 वॉट। जाकर देख लो, अपनी फ्रिज के ऊपर जाकर देखना ये दो चीजें लिखी होंगी कि नहीं लिखी होंगी, जाकर जरा देखना बच्चे, जाकर जरा देखना और मुझे बताना 220 वोल्ट और 1500 वॉट, ये उसकी रेटिंग होती है, ये उसकी रेटिंग होती है कि अगर आप इतनी सप्लाई करोगे तो बच्चे आपको इतने पावर की क्या मिलेगी बच्चे, आउटपुट मिलेगी। मेरी बात समझ लो, इतने और अगर इससे सर सबसे पहले करंट नहीं निकलेगा बेटा, मतलब इससे हम सीधा करंट नहीं निकाल सकते? नहीं बेटा, करंट नहीं निकालते, रेजिस्टेंस निकालते किसी भी, क्योंकि बच्चे करंट के इंडिपेंडेंट है ना बच्चे, ये हमारे पास अगर आपने करंट पीछे से कम छोड़ा तो रेजिस्टेंस जो होती है बच्चे हमारे पास वो निकलती, क्योंकि रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज और जो आउटपुट पावर देगी, ये तीनों कनेक्टेड है। और याद रखना बच्चे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाता है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, रेजिस्टेंस। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ पर एक बात आ जाती है और वो ये आ जाती है बच्चे हमारे पास, ध्यान से समझ, वो ये बच्चे हमारे पास आ जाती है बच्चों के दिमाग के अंदर कि यार मैं अगर अलग पावर सप्लाई करूं तो फिर क्या हो, अगर मान लिया जाए कि मैं अलग वोल्टेज दूं, सॉरी अलग वोल्टेज सप्लाई करूं, तो क्या सेम पावर आउटपुट आएगी कि डिफरेंट आएगी? अब एक बात बताओ बच्चे, रेजिस्टेंस तो वही रहेगी, हाँ या ना बेटा, रेजिस्टेंस तो वही रहेगी ना बच्चे, हाँ या ना? यस सर, रेजिस्टेंस तो वही रहेगी। अब ध्यान से समझना बच्चा, हमारे पास वोल्टेज सप्लाई का बच्चा हमारे पास होल्स और बच्चे पावर आपके पास जो डिसिपेट हो रही, पावर जो बच्चा आपके पास डिसिपेट हो रही इज इक्वल टू बच्चे वोल्टेज रेटेड, जो इसकी रेटेड वोल्टेज है, और अपॉन बच्चे हमारे पास पावर रेटेड, जो पावर बच्चे हमारे पास रेटेड है। ये बच्चे क्योंकि रेजिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम रहेगी, चाहे आप सप्लाई जो मर्जी करो, चाहे पावर जैसे मर्जी डिसिपेट हो, आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चे अगर आप अलग पावर देते हो तो बच्चे जो न्यू पावर आएगी बच्चे, अगर आप अलग वोल्टेज देते हो, अगर आप अलग वोल्टेज देते हो तो पावर जो डिसिपेट होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वोल्टेज सप्लाइड, वोल्टेज रेटेड जो मार्किंग होती है उस पर, उसका स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय पावर आपके पास रेटेड, पावर बच्चा हमारे पास रेटेड, पावर बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेटेड है, वोल्टेज सप्लाइड, वोल्टेज रेटेड और बच्चे स्क्वेयर और पावर रेटेड। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे प्रज्वल, उसके बाद ये बच्चे कहीं पर लिखा गया 100 वोल्ट और बच्चे 100 वॉट एंड 200 वोल्ट,
ये बच्चा आपके पास रेटेड है या मार्क्ड है बच्चे हमारे पास, ये रेटेड है या मार्क्ड है बच्चे, ये रेटेड है या मार्क्ड है। नाउ इफ यू सप्लाई, अगर बच्चे आप यहाँ पर सप्लाई कर देते हो, क्या सप्लाई कर देते हो 100 वोल्ट, अगर आपको पूरा चलने के लिए बच्चे 100-200 वोल्ट की जरूरत थी, लेकिन आप कितना वोल्ट दे रहे हो बच्चे 100 वोल्ट, तो आपको बता रहे कि अब कितनी पावर आपकी डिसिपेट हो रही होगी, तो पावर डिसिपेट अब कितनी हो रही होगी बच्चे बताओ जरा। वोल्टेज सप्लाइड वो 100 है बच्चे, वोल्टेज रेटेड वो 200 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पावर रेटेड वो 100 वोल्ट, बताओ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, ये बच्चे 25 25, यानी कि बच्चे 100 वॉट का बल्ब कैसे नजर आएगा, 25 वॉट के बल्ब की तरह नजर आएगा, इतनी कम पावर को जाती है ये बच्चे। तभी जब लाइट्स डिम होती है तो हम कहते हैं डेफिनेटली बच्चे। और अगर कोई बच्चा बोले कि सर अगर आप ज्यादा बच्चे यहाँ पर सप्लाई कर दो, यानी कि जो रेटेड है उससे तो अभी हम कम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा सप्लाई करोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, यानी कि वो जो डिवाइस है वो बर्न आउट हो जाएगा, वो जो डिवाइस है बच्चे वो बर्न आउट हो जाएगा। ठीक बेटा, क्लियर है वाली बात बच्चे, चले बच्चे ओके। अब बाकी चीजें बच्चे छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, तो अगर बच्चे कल हम क्वेश्चंस वगैरह खत्म करेंगे, और क्वेश्चंस कल जल्दी खत्म हो जाते हैं, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद मैग्नेटिज्म, अगर मैं फुली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा।